हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम। और स्वागत है आप लोगों का 12th क्लास की केमिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 3 हमारा चला हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें हमने देखा था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइटिक सॉल्यूशन। सो उस वीडियो को आपने उम्मीद है देख लिया होगा और वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज उससे आगे का देखते हैं हम, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट करने पर क्या प्रभाव पड़ता है इन कंडक्टेंस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, ये तीनों की तीनों बढ़ती हैं अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। और अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें तो डाइल्यूशन करने पर वो घटती है। यहाँ पर सारा दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखें आप। अब ये बहुत आसान है, यहाँ पर इनका रीज़न भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कंडक्टेंस की बात करें सॉल्यूशन की, तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस होंगे, ग्रेटर कंडक्टेंस होगी। तो जैसा कि हम डाइल्यूशन करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के नंबर ऑफ आयंस भी वहाँ पर ऐड होते हैं, जिनकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटेगी वहाँ पर, क्योंकि बेटा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो बेटा वॉल्यूम का, आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ेगी नंबर ऑफ आयंस के बीच में। तो पर्टिकुलरली जो आपकी कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो घटती है। ओनली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटेगी, बाकी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और खाली कंडक्टेंस की अगर बात करें तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होती है कंडक्टिविटी, कैसे संबंधित होती है वो नंबर ऑफ आयन से, तो उसको हम अभी आगे देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉ, जिसका नाम है कोहलरोच लॉ। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोहलरोच लॉ को समझने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, उसको वाटर में घोला तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl-। तो अब ये जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्शन के लिए। हर एक पर्टिकुलर आयन अपना एक कुछ ना कुछ कंडक्टेंस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो देता है, और जिसको हम कहेंगे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। किसी भी सब्सिस्टेंस की हम कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे, लेकिन जो आयंस होते हैं उनकी पर्टिकुलर जो कंडक्टिविटी होती है उसको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर यही समझाया गया है। उन्होंने बहुत सारे जो नंबर ऑफ पेयर्स के सॉल्ट थे उनकी कंडक्टिविटी को देखा, जैसे यहाँ पर इनमें सब में कैटायन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर एनायन डिफरेंट है, कैटायन सेम है। तो उन्होंने उनके डिफरेंस को भी देखा, और इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया जिसके हिसाब से, तो ध्यान से देखिए, कोहलरोच कंक्लूडेड दैट ईच आयन मेक ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डायल्यूशन। ठीक है, यानी कि जब भी कोई आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर घोल रहे हैं, उसमें से प्रोड्यूस होने वाले जितनी भी आयंस होंगे, हर एक आयन अपना एक कंट्रीब्यूट देगा। अगर वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और अगर नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, जिससे कंडक्टिविटी घट जाएगी। इसी को हम जनरली कोहलरोच लॉ कहते हैं। वो कोहलरोच नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था। यहाँ पर अब स्टेटमेंट भी दी हुई है, देख लेते हैं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी है AxBy की, तो हम ऐसे नंबर ऑफ आयंस में स्प्लिट करेंगे तो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पर देंगे। जैसे NaCl की बात करें तो Na0+ Na0+ बेरियम क्लोराइड की बात करें तो Na0Ba2+ 2 Na0Cl-। अब Na0 से 2 इसलिए लगा क्योंकि एक बेरियम क्लोराइड 2 आयन प्रोड्यूस करता है क्लोराइड के। इसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में तो 2 एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस होंगे और 3 सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करके उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कैटायंस हैं और एनायंस हैं, उनकी कंडक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको। मैंने जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की जो फैक्टर्स हैं वो उनमें बताया था कि जैसे जितना साइज आयन का छोटा होगा उसकी कंडक्टिविटी इतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इतना ही ज़्यादा मोबाइल होगा सॉल्यूशन के अंदर।
जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, तो इसका जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं। बाकी आप दूसरों को भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें इनकी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये ओवरऑल कोहलरॉच लॉ था। अब उसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं क्या क्या होती हैं, हम सीधे सीधे देखेंगे। सबसे पहले होता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयनाइजेशन कंप्लीट होता है, फुल आयनाइजेशन होता है, इसलिए नंबर ऑफ आयंस का भी हमें पता रहता है, इसलिए उसका हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शियली आयनाइज होगा, जिससे नंबर ऑफ आयंस का कोई आइडिया नहीं होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोहलरॉच लॉ। अब कैसे, यहाँ पर इसने सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर लेके चलता हूँ, आप उनको अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए पहले हम ये वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये थोड़ा आसान है, जिससे आपको फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट लैम्डा नॉट यानी कि मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पर कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन की लिमिटिंग आयनिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दी हुई, लिमिटिंग कंडक्टिविटी। अब कोहलरॉच लॉ के अकॉर्डिंग कैल्शियम क्लोराइड आयन होगा तो तीन, एक कैल्शियम आयन और दो क्लोराइड आयन कंट्रीब्यूट होंगे, आयनाइज होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है कैल्शियम आयन का कंट्रीब्यूशन 119 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा और क्लोराइड का 76.3 दिया हुआ है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट को देख देते हैं, तो एक मैग्नीशियम और एक सल्फेट आयन, दो ही आयन होंगे, तो मैग्नीशियम का यहाँ दिया है, सल्फेट का यहाँ दिया है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 266 सीवन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स आ जाएंगे दोनों के केस में। तो इस तरह से हम गिवन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी वो क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा भी सकता है ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल के बिहाफ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और यहाँ आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक को यूज़ करके आप किसी भी तरह के जो इस तरह का न्यूमेरिकल होगा सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डायल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट इज 126.4, 425.9 एंड 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, अलग अलग NaCl कितनी है, HCl कितनी है और सोडियम एसीटेट कितनी है, व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बारे में उसने पूछा है। तो कोहलरॉच लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे। अब कोहलरॉच लॉ लगाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर दिया हुआ भी है NaCl के लिए 126.4 है, HCl के लिए 425.9 है और सोडियम एसीटेट के लिए 91 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। इसको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 कर लेंगे। अब यहाँ पे ट्रिक आ जाती है, इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आपके पास आए तो आप इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जोड़कर उसमें से फर्स्ट को घटा दीजिए। जैसे ये इक्वेशन सेकेंड रही, ये इक्वेशन आपकी थर्ड रही और उसमें से हमने घटा दी इक्वेशन नंबर 1, और बाकी इनकी वैल्यूज़ को भी ऐसे ही हम रीअरेंज करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कटा कर क्या बचता है, क्लोराइड आयन से, सोडियम आयन से, एसीटेट बचता है आपके पास और आपका हाइड्रोजन बचता है, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जब वो गिवन में देगी किसी चौथे का पूछे तो आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज़ को सम करके फर्स्ट वाली उसमें से घटा देंगे। तो इस तरह से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी हुई हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं और कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं, आप अपने बिहाफ पर इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड रहे ऐसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर दो न्यूमेरिकल समझाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, कैलकुलेशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपने पिछले क्लास में चैप्टर 7 पढ़ा 11th में, इसका नाम था इक्विलिब्रियम, वहाँ आपने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा, तो वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि कितने परसेंट वो डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। अब ये स्टेटमेंट होती है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, Kc इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - a, तो Kc यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट है, C कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अपॉन 1 - α, ये नीचे आ जाएगा। तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर। और नंबर 4 है कैलकुलेशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अभी हमने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी देखी थी, उसकी स्टेटमेंट ये थी,
तो अगर हम अब मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स घुले रहते हैं लीटर ऑफ द पर सॉल्यूशन में, तो अगर हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम मोलैरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी को रख देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। इसको रीअरेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, और आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है या किसी भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसको भी हम इस दिए गए एक्सप्रेशन से या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हमें कोई ज़्यादा डीपली इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसको ध्यान से देखना है कि क्या क्या एप्लीकेशन होती है और कहाँ कहाँ कोलराउस लॉ को यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और ज़रूरतमंद को ये जो आपके क्लासमेट्स हैं क्लास ट्वेल्थ के उनको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको फ्यूचर्स में आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। और उन दूसरी वीडियोज़ के लिए जो मैंने क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री के ट्यूटोरियल वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं सेपरेट प्लेलिस्ट में, तो अगर आपको इसके अलावा कोई कमेंट में कुछ पूछना है या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नाउ आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अर्शद इनाम टेकिंग साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।